तो हेलो डिज़ाइनर्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको अगर इस तरह की फ़ोटो कोई व्हाट्सएप पे आती है, मतलब कोई आपको भेजता है और वो बोलता है कि सेम टू सेम डिज़ाइन उसको बनानी है, तो इस टाइप की फ़ोटो पे से आपको सेम टू सेम डिज़ाइन कैसे बनानी है। मीन्स ये एक टाइप का ऑल ओवर है कलामकारी का, कलामकारी पैटर्न में इसको काउंट करेंगे हम। तो इस टाइप का ऑल ओवर किस तरह से बनाना है वो हम पहले से समझते हैं। देखो, इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहला पार्ट है कि जो भी आपको इमेज मिलती है व्हाट्सएप पर, वो उसके एक्चुअल प्रिंट साइज़ में तो नहीं रहती। कोई करीब से फ़ोटो खींचता है, कोई दूर से फ़ोटो खींचता है, और ज़्यादा केसेस में तो ऐसा होता है कि वो एक पार्ट ऑफ डिज़ाइन रहता है। ये जो है फ़ोटो जो आप देख रहे हो, किसी डिज़ाइन का पार्ट है, ये पूरी डिज़ाइन नहीं है। क्योंकि अगर ये पूरी डिज़ाइन होती साड़ी की, तो इसके ऊपर नीचे बॉर्डर भी हमको दिखता, बट बॉर्डर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये क्रॉप मतलब कटा हुआ फ़ोटो है बीच का कहीं का, और इसको हमको पूरा ऑल ओवर में लेयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो पार्ट ऑफ फ़ोटो है, पार्ट ऑफ डिज़ाइन का फ़ोटो है, तो इसकी हमको पहले प्रिंट साइज़ निकालनी है, एक्चुअल साइज़, कि ये जब प्रिंट होगा तो कौन सी साइज़ का, कितनी साइज़ का दिखेगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे, आपको डिज़ाइन बनाना स्टार्ट नहीं करना है। दो चीज़ें एक्चुअली बनाने से पहले आपको करनी है, एक तो इसकी प्रिंट साइज़ हमको निकालनी है परफेक्टली, और सेकंड जो चीज़ है वो है कि इसको हमको जो भी मतलब ये कटा हुआ पार्ट है, इसका एक रिपीट भी हमको इसमें से निकालना है। रिपीट मीन्स पैटर्न। सबसे पहले समझते हैं कि पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए जस्ट मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ अभी, बहुत ही बिगिनर जो लोग हैं, डिज़ाइनर बिगिनर जो डिज़ाइनर है, उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं देखो 5x5 इंच की यहाँ पर एक फाइल ले रहा हूँ, 150 रिजोल्यूशन ले लेता हूँ। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर बनाता हूँ, ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि पैटर्न जो भी बनता है वो स्क्वायर फॉर्म में ही बनता है। मीन्स चौकोन रहेगा, भले उसकी हाइट और विड्थ अलग अलग रहेगी, बट रहेगा वो चौकोन टाइप में ही रहेगा। ठीक है, राउंड शेप में कभी पैटर्न बन नहीं सकता है। पैटर्न मतलब क्या रहता है कि एक ही चीज़ रिपीटेटिव फॉर्म में रहती है डिज़ाइन के अंदर, उसको हम पैटर्न बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पर एक इस तरह से डॉट दे दिया, ठीक है, और ये मेरा अपने आप में एक पैटर्न बन गया अभी। ठीक है, इसको मैं अगर डिफाइन पैटर्न करता हूँ और इसको मैं बड़ी साइज़ में अगर फिल करता हूँ, जैसे 30 इंच बाय 45 इंच, ठीक है, हम यहाँ पे इंचेस में मेजरमेंट लेंगे। रूलर के ऊपर राइट क्लिक करके मैं यहाँ इंचेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ मैं करता हूँ 30 बाय 45 इंचेस, और इसको मैं जब फिल करूँगा पैटर्न को, तो आप देख सकते हो ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अभी मान लीजिए ये मेरी साड़ी की पूरी डिज़ाइन है टॉप टू बॉटम 45 इंचेस में, और ये जो है ये अंदर का, इसको इतना पार्ट जो है इसको हम एक पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, कौन सा पार्ट, यहाँ से लेके ये इतना पार्ट, मीन्स 5x5 इंच का जो है ये हमारा पैटर्न है। ये पैटर्न यहाँ से भी हो सकता है, ये पैटर्न यहाँ से भी हो सकता है, ये पैटर्न कहीं से भी हो सकता है। अगर ये स्क्वायर मेरा 5x5 इंच का है, तो ये पैटर्न मैं कहीं से भी सेट करूँगा तो ये सेम ही दिखेगा डिज़ाइन। जैसे कि मैंने अभी बनाने के टाइम इस तरह से इसको फिल किया था, तो मैं भी क्या करता हूँ, एक 5x5 इंच का करके इसको मैं इस तरह से ये करके देखता हूँ, डिफाइन पैटर्न करके आपको दिखाता हूँ, आप देख लेना वो सेम ही आएगा। तो 5x5 इंच का सिलेक्शन लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रेक्टेंगुलर मर्की टूल पे, फिर यहाँ नॉर्मल की जगह पे हम करेंगे फिक्स साइज़। ठीक है, फिक्स साइज़ के अंदर हम लिखेंगे 5 इंचेस, और यहाँ पर भी लिखेंगे 5 इंचेस। मैं बहुत ही बिगिनर लेवल के लोगों को, डिज़ाइनरों को बता रहा हूँ, इसके लिए जिनको आता है वो लोग ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो नए नए जो लोग सीख रहे हैं उन लोगों को ये वीडियो बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि इसके बगैर आप ऑल ओवर कोई भी डिज़ाइन ये दो चीज़ों के बगैर आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ से इसको रेंडमली कहीं पर भी रख के इसको डिफाइन पैटर्न करता हूँ, और फिर मैं इसको वापस से फिल करता हूँ, आप देखना है सेम ही आएगा। पहला पैटर्न हमारा ये था, सेकेंड पैटर्न ये था। ठीक है, मैंने इसको फिल कर दिया, आप देख सकते हो पैटर्न जैसे का वैसे वापस से फिल हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। थोड़ा खाली उसका पोजीशनिंग चेंज हुआ है, बाकी डिज़ाइन सेम है, उन दो मोटिफ के बीच में का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम पैटर्न। लेकिन अभी क्या होता है, ये समझ लीजिए साड़ी की डिज़ाइन या समथिंग कुछ है, और इसका मोबाइल से फ़ोटो खींच रहे हैं, तो मोबाइल में से फ़ोटो खींचेंगे तो हम क्या होता है, जनरली पूरा फ़ोटो नहीं खींचते, तो अमुक बार मतलब बहुत सारी जगह पर ऐसा छोटा इतना पार्ट ही खाली फ़ोटो में दिखाएंगे वो। ठीक है, फिर फ़ोटो में इतना पार्ट ही दिखाएंगे, तो बाकी की जो साड़ी है, जैसे इतना पार्ट आ गया, तो ये जो बाकी का जो पार्ट है ये तो हमको फ़ोटो में दिखेगा नहीं, तो हमको खाली इतना पार्ट दिख रहा है। ठीक है,
और फ़ोटो खींचने के टाइम दूसरी एक चीज़ क्या होती है कि जो भी फ़ोटो खींचते हैं वो एकदम परफेक्टली ऐसा स्क्वायर जैसे मैंने सिलेक्ट किया ऐसा तो नहीं खींचेंगे ना, वो थोड़ा जैसे ये पैटर्न है तो फ़ोटो खींचने के टाइम वो थोड़ा क्रॉस फ़ोटो खींच सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ऐसा भी फ़ोटो खींच सकते हैं इतने पार्ट का। तो हमको क्या है, फ़ोटो में ये चीज़ थोड़ी क्रॉस नज़र आती है, वही चीज़ क्या होता है, वही चीज़ होता है हमारे ऐसी डिज़ाइनों में, जिनका मतलब फ़ोटो तो खींचा हुआ है और लेकिन इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ी क्रॉस जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल आपको ये बताया कि एक मोटिफ हो गया आपका, फिर ये दूसरा मोटिफ इधर आ रहा है, ठीक है। तो पैटर्न कौन सा होता है, जो सेम टू सेम मोटिफ जिसको इंक्लूड होके समझ लो एक गाइडलाइन इधर आ गई, एक गाइडलाइन मैंने यहाँ पे रखी, फिर एक गाइडलाइन इधर और एक गाइडलाइन इधर, तो इसके बीच का जो पार्ट है ये हमारा पैटर्न है, ओके, ये 5x5 इंच का हमारा पैटर्न है। तो उसी तरह से इस डिज़ाइन में हमको देखना है, ढूंढना है कि ये रिपीट उसका कहाँ से कहाँ तक आता है, मीन्स उसके ऑब्जेक्ट जो है रिपीट होना कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आप मोटिफ पकड़ लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला मोटिफ पकड़ा है यहाँ पे, अभी मैं ये वाला मोटिफ राइट साइड में कहाँ पे रिपीट हो रहा है वो देखूँगा, ठीक है। तो ये रिपीट मेरा यहाँ पे मतलब रिपीट आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये सेम ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो रिपीट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा, इतना हमारा पैटर्न बनेगा, तो ही मतलब ये इस तरह से कंटिन्यू फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो हमको इसका जो विथ में रिपीट है वो अपने को पता चल गया, अभी हमको पता करना है हाइट में इसका रिपीट कहाँ पे है, ठीक है। हाइट में पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऑफसेट दे देंगे, मैं इसको अभी ऑफसेट दे रहा हूँ और यहाँ तक ऐसा मैंने इसको ऑफसेट दे दिया। अभी आप देख सकते हो हाइट में ये जो है ये पत्ती, वो पत्ती और ये पत्ती सेम है, ये थोड़ा क्रॉस हो रहा है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको वेल सेट कैसे करना है, क्योंकि आप अगर डायरेक्टली इसको बनाने जाओगे तो आप ऐसे ही बना दोगे जैसा यहाँ पे दिख रहा है, फिर फाइनली क्या होगा, आप जब डिज़ाइन को ऑफसेट करेंगे, मान लीजिए डिज़ाइन ऐसी की ऐसी और आपने इसी तरह से इसको आउटलाइन बनाना शुरू कर दिया, तो जब आप यहाँ पे आगे ख़त्म करोगे तो ये आपकी आउटलाइन कटने वाली है, क्योंकि आप इसको देख के बना रहे हो तो आप सेम ही बनाओगे, तो यहाँ पे जो कट दिख रहा है डिज़ाइन के अंदर वो आपकी बनाई हुई नई डिज़ाइन में भी दिखेगा, आप जो भी आउटलाइन बनाओगे उसके अंदर भी ये सेम कट दिखेंगे। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसको पहले से इसका जो बेस फाइल है उसका पहले रिपीट सेट करें, उसके बाद ही डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलिए इसको पहले स्टार्ट करते हैं, मैं इसको पहले साइजिंग कर लेता हूँ, साइज़ कर लेते हैं, अपनी प्रिंट साइज हम निकालेंगे इसकी, तो ये तो आपको अंदाजे से ही निकालना है कि अभी प्रिंट साइज इसकी ये है, तो बस इससे थोड़ी बड़ी होगी, तो मैं यहाँ पे 10 इंच कर दे रहा हूँ और रिजोल्यूशन 150 कर दे रहा हूँ, ठीक है। छोटा सा पार्ट है, इसका कोई दूसरी इमेज अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो जिस तरह का मतलब जनरली कलमकारी के मोटिव्स की साइज़ रहती है वो हिसाब से आपको इसकी साइज़ रखनी है, तो मैंने इसको 10x14 इंच या 15 इंच जो भी है उसमें, मतलब मैंने खाली विथ में राउंड फिगर 10 कर दिया है, हाइट में जो आएगा वो, ठीक है, ये आपको चेंज नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि यहाँ अगर 10 लिखते हैं फिर ये ऑप्शन बंद करके यहाँ जानबूझ के 15 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 10x10 करेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा आप करोगे तो इमेज की जो नेचुरल उसकी साइजिंग है वो उसकी ख़राब हो जाएगी, ऑब्जेक्ट खींचे हुए तने हुए दिखेंगे। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ 10 किया, यहाँ मैं 10 करूँगा और ओके करूँगा, तो देखिए क्या हुआ, मेरी डिज़ाइन ऐसी चपटी हो गई, दब गई। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है, आपको जो भी साइज़ करनी है एक कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस करके इसको आपको सेट टिक करके रखना है, और उसके बाद आपको विथ या हाइट दोनों में से कोई भी एक, मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप हमेशा विथ ही राउंड फिगर में रखें, क्योंकि हाइट तो रैंडम कुछ भी रह सकती है, क्योंकि ऑल ओवर बनने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको 10 इंच में मैंने कर दिया और इधर जो भी मतलब 14.98 आ चुकी है हाइट, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। ओके करने के बाद ये हमको इसकी प्रिंट साइज़ अभी मिल चुकी है कि प्रिंट साइज़ में इतनी ही बड़ी हमको ये डिज़ाइन बनानी है। अभी हम इसका रिपीट कट करेंगे, जैसा मैंने पहले गाइडलाइन दो रख के आपको विथ का रिपीट बताया, फिर हम हाइट का रिपीट करेंगे, ठीक है। तो हाइट का रिपीट देखिए, एक तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, समझ लीजिए ये जो दंडी है, इस दंडी को मैं यहाँ पे एक गाइडलाइन रखूँगा, फिर यही दंडी नीचे कहाँ पे आ रही है, वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ये वाली, इधर ये वाली दंडी आ रही है, तो ये वाली दंडी मैंने यहाँ पे एक दूसरी गाइडलाइन रख दी।
अभी हमको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, अभी देखो इसकी पोजिशनिंग ठीक नहीं है, मीन समझ लीजिए हमने इस एग्जांपल में देखा कि जो ऑब्जेक्ट इधर आता है तो रिपीट के बाहर वो सेम जगह पे 5 इंच के बाहर मतलब समझ लो यहाँ पे परफेक्टली उसी अलाइनमेंट में आना चाहिए, तभी आपका रिपीट परफेक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या गड़बड़ है, यहाँ पे समझ लो इतना मैंने गाइडलाइन तो रख दी और इसको मैंने इतना क्रॉप भी कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं समझने के लिए खाली आपको बता रहा हूँ। फिर मैं अगर इसको डिफाइन पैटर्न करूँगा और मान लीजिए मैं इसको 500% बाय 500% में फिल कर दूँगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हर जगह पे कट गिर रहे हैं, गिर रहे ना कट, ये देखिए पूरा गड़बड़ हो गया है। आपको ये चीज़ नहीं हो, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले से इसको सेट करना है। और अगर आपने इस डिज़ाइन के ऊपर आउटलाइन भी बना दी तो जाहिर सी बात है इसको देख देख के अगर आप आउटलाइन बनाओगे इसके ऊपर या फिर इसके अंदर कलर फरोगे मतलब डिज़ाइन अगर आप आगे की कंटिन्यू करोगे तो वो भी इसी कट वाली बनने वाली है, क्योंकि नीचे ही कट है उसके और उसको देख के आप सेम बनाने वाले हो तो कट ही गिरने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट, इसको हमको सेट करना है, इसका पहले हमको रिपीट सेट करना है, उसके बाद ही डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप इसको सिलेक्ट ऑल करें, कंट्रोल टी करना है आपको, कंट्रोल टी करने के बाद में आपको देखिए अभी ये जो है इसका लेवल मेरे को इस ऑब्जेक्ट को इस लेवल में लाना है। मैं सिंपली क्या करूँगा यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करूँगा और इसको थोड़ा ऊपर उठा लूँगा ऐसे। आप देख सकते हो अभी ये जो ऑब्जेक्ट है दोनों वो एक लाइन में आ गए हैं। उसी तरह से अभी हमको नीचे वाला ऑब्जेक्ट भी लाना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक मैंने ऐसा गाइडलाइन ले ली इधर, अभी यहाँ पे मैं गाइडलाइन क्यों ले रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट है मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये पत्ती स्टार्ट हो रही है तो इसका जो सामने वाला पॉइंट है वहाँ पे मैंने गाइडलाइन ले ली। और यहाँ पे देखो ये बहुत इधर भाग रही है ठीक है पत्ती, तो हम इसको वापस कंट्रोल टी करेंगे और फिर यहाँ से कंट्रोल और शिफ्ट दबा के इसको इस तरह से रोटेट करेंगे इतना ठीक है। आपको रोटेट करने के टाइम ऊपर का भी देखना है एक बार कि अपनी ये वाली पत्ती कहीं और नहीं भागे, देखिए ये वाली पत्ती भी भाग गई है, मैं इसको भी थोड़ा इधर कर लेता हूँ ठीक है, इधर मैंने कर दिया कंट्रोल और कंट्रोल दबा के, फिर ये भी बराबर आ गई है ठीक है और ये भी बराबर आ गई है और ये वाले भी ऑब्जेक्ट जो है ये वाले भी मुझे सही लग रहे हैं, अभी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा मैं इसको नीचे कर देता हूँ ओके। अभी हो सकता है ये चीज़ बहुत सारे लोगों को पहली बार में नहीं समझ में आए, लेकिन आप प्रैक्टिस करो, आप नई नई इमेजेस इंटरनेट से डाउनलोड करके आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि रिपीट सेट करना किसको बोलते हैं। अभी मैंने देखो ये जो गाइडलाइंस ली थी मैंने वहाँ पे मैं वापस सिलेक्शन ले रहा हूँ और अभी यहाँ पे जो वाइट एरिया मेरे सिलेक्शन के अंदर आ रहा है ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा सिलेक्शन को थोड़ा इधर सरका लूँगा ऐसे और फिर इसको मैं करूँगा क्रॉप। क्रॉप करने के बाद क्या हो जाएगा, गाइडलाइन मैंने सारी हटा दी, अभी मैं इसको फिल करके देखता हूँ, डिफाइन पैटर्न किया मैंने और 500% 500% इस तरह से मैंने इसको फिल करके देख रहा हूँ क्या आता है देखते हैं। अभी देखिए मैंने इसको फिल किया तो आप देख सकते हो कि कट बहुत कम आ रहे हैं, खाली ये एक पत्ती छोड़ के मीन्स यहाँ पे कट तो दिखेगा आपको नो डाउट, यहाँ पे एक पत्ती थोड़ी ज़्यादा कट दिख रहा है, इधर एक ज़्यादा कट दिख रहा है, इसके अलावा बाकी के डिज़ाइन में हमको कहीं पे भी ज़्यादा कट नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह से आपको रिपीट कट करना है, ज़्यादा अभी डिज़ाइन में कट है नहीं तो थोड़ा बहुत है वो हम काम करने के दौरान उसको सुधार सकते हैं। फिर हमको अभी इतना आपने परफेक्टली कर लिया तो फिर आपको करना है इसको ऑफसेट ठीक है। ऑफसेट आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो, आप 150 बाय 150 का दे सकते हो, 200 का दे सकते हो, आपको जो हिसाब से ऑफसेट देना है वो हिसाब से आप ऑफसेट दे सकते हो। इसके बाद आपको फिर यहाँ से ही बनाना स्टार्ट करना है, आपकी इच्छा आप कहीं से भी कर सकते हो ऐसे तो, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जहाँ पे मतलब ये बैठ नहीं रहा है बराबर वहाँ पे आप पहले बनाना स्टार्ट करो। तो बनाना किस तरह से है, समझ लो ये पत्ती बहुत ही यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो हमको बनाना किस तरह से मैं आपको पूरी डिज़ाइन आउटलाइन मार के नहीं बताऊँगा, आपको सिर्फ एक मैं हिंट दे दूँगा, बाकी आप ये डिज़ाइन मेरे को कंप्लीट करो और आप चाहो तो मुझे है ना ये डिज़ाइन व्हाट्सएप कर देना अगर मेरा नंबर है तो, या तो मेरे को टेलीग्राम कर देना, टेलीग्राम की आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मैं अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए। देखो आपको इस तरह से ये पत्ती बनानी है, अब ये यहाँ पे जो गड़बड़ दिख रही है इसको हमको नीचे क्या है वो नहीं देखना है, हमको अपने हिसाब से इसकी पत्ती बना देनी है। ये मैंने ये कर दिया, फिर ये वाली आउटलाइन मारेंगे ऐसे ठीक है,
फिर इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करेंगे हम। पेंसिल सिलेक्ट कर लेते हैं, पेंसिल में आपको जो भी आउटलाइन मारनी है यहाँ पे जो नीचे दिखता है उससे आपको एक आध पिक्सल कम ही मारनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ 2 पिक्सल की आउटलाइन मारूंगा, ये मैंने आउटलाइन मार दी। फिर मैं इसके अंदर आपको एक कलर फिल करके दिखा देता हूँ, ये इस तरह से ये होगा इसके अंदर कलर, ठीक है। अभी जहाँ जहाँ पे मतलब ये गड़बड़ हो चुकी है, पत्ती ऐसी कट रही है, वहाँ पे आप इस तरह से अपनी मर्जी से पत्ती बना सकते हो। और आई थिंक ये एक ही जगह पे ज़्यादा है, बाकी सब जगह पे थोड़ा कमी है, ठीक है। एक मैंने जैसे बताया वैसे यहाँ पे भी आप पत्ती बना सकते हो, ठीक है। आपको ये नीचे कटा हुआ है वो नहीं दिखना है, देखना है। फिर आप जैसे ही आप काम करते करते यहाँ तक आ जाते हो तो यहाँ तक जो फाइल जा रही है बाहर, इसको आपको वापस से ऑप्शन मारना है, ये एरिया आपको बीच में लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी इतनी पत्ती बना दी, ठीक है। अभी मुझे काम करते करते मैं यहाँ तक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आ गया, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको ऑफसेट करूँगा। और ऑफसेट करने के बाद ऐसे थोड़ा यहाँ पे मैं इसको सरका लेता हूँ, ठीक है। ऑफसेट में करने के बाद देखो इसको आपको ऐसे सरका देना है, फिर आपको जो यहाँ पे फाइल के बाहर जो आ रहा है उसको आपको आउटलाइन मार के कंप्लीट कर देना है। तो आप इस तरह से आपको 2 चीज़ें करनी है, पहले तो उसकी प्रिंट साइज निकालनी है, रिजोल्यूशन सेट करना है, और दूसरा जो काम आपको करना है वो है उसका रिपीट सेट करना। ये रिपीट सेट हो जाएगा उसके बाद आप डिज़ाइन बनाओ, आपका रिपीट भी परफेक्ट बैठेगा, हर एक चीज़ परफेक्ट हो जाएगी। अगर इस वीडियो में बिगिनर्स जो डिज़ाइनर है उनको अगर कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपको करना है वो कर सकते हो। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर लिख के भेजना आपको जो भी डाउट है। और अगर वीडियो थोड़ा फास्ट लगे आपको तो आप थोड़ा रिवाइंड करके या दोबारा देख के आप समझ सकते हो। बहुत ही आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ मैंने बताई हो जो नहीं समझ में आई हो, तो आप वीडियो को देखिए ज़रूर और आप प्रैक्टिस चालू रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।